लाऊं कि आप ये चीज मेक श्योर करिए कि इस बार आपका चाहे पीटी हो या मेंस हो, मेंस में आई थिंक जो जो जर्नी चली है, ठीक है ना, कि जो चीज़ों को जिस तरह से करवाया गया, अगर अप टू आप अगर उसको कर रहे हैं, उसका अगर आप 60% भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर गारंटी रहिए कि आपका मेंस इस बार नहीं रुकने जा रहा है, क्योंकि जो भी आपको कमी बेसी रहेगा उसको हम लोग ये 30 सितंबर के बाद जब दोबारा चीज़ों को करवाएंगे उस समय हम उसको कवर अप कर देंगे। पीटी में किसी हाल में इस बार आप लोग चीज़ों को नहीं छोड़िएगा। पीटी में आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से लेके चल रहे हैं, लगातार टेस्ट हो रहा है, 10 पीटी का टेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। 10 पीटी का आई थिंक लास्ट टेस्ट बिहार स्पेशल का हुआ था, पूरा हिस्ट्री एंशियंट 1, मेडिवल 1, मॉडर्न 3, पॉलिटी 2, उसके बाद इन्वायरमेंट का 1, इकोनॉमी का 1, और बिहार स्पेशल, इतना चीज़ें हम लोगों ने करवा दिया। और आपने देखा होगा कि जो उसका एक्सप्लेनेशन है, जो टेस्ट सीरीज राधिका मैम द्वारा बनाया जाता है, एक्सप्लेनेशन है वो अप टू द मार्क है। मतलब आई मतलब ये बोलते हुए मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अपने आप का बड़ाई कर रहा हूँ, बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो टेस्ट का लेवल प्राइम आईएएस का है, खासकर पीटी टेस्ट का, वो कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है कि मतलब उसको उस लेवल को, और आप उसके एक्सप्लेनेशन को भी करते हैं तो आपको बहुत उससे मदद मिलेगी। पीटी में क्या है इस बार देखिए, इस बार आप ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो आपका सीट जो टोटल होंगे वो 1200 से लेकर 1300, ये इसके प्लस में जाएगा, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है, समझ लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे हम 68 के रिजल्ट को देखते हैं, 68 के रिजल्ट को हम अगर देखते हैं तो उसमें आप ये देखिए कि मोटा मोटी 300 के आसपास वैकेंसी, 300 के आसपास में वैकेंसी आप देखिएगा तो अधिकतर बच्चा वही है जो 67 निकाले हुए हैं। एग्जाम्पल प्रीति मैम 67 में निकाली, 68 में निकाली है। एग्जाम्पल आनंद सर जो यहाँ के हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, वो 67 में RDO यहाँ पे ADMO के रूप में सेलेक्ट हुए। तो जब वैकेंसी छोटा रहता है ना, तो आप ये मान के चल लीजिए 1/3 से मतलब 30 to 40% सीट जो ऑलरेडी जो क्वालिफाइड है वो आपका उठा के ले जाएंगे, वो पक्का ही वो आपका उठा के ले जाएंगे। तो जब ऐसा मेजर वैकेंसी आता है ना, तो बहुत एक आप देखिएगा कि बहुत हमारे लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटी का बारिश हो रहा है तो आपको उस कैपेबल होना चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें, ठीक है ना। अगर वर्षा हो रही है मान लीजिए, तो कम से कम घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, तभी ना हम भीगेंगे, बारिश का मजा हम ले पाएंगे बिना उसके भीगे। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है कि नहीं आपका पीटी रुके, क्योंकि आप थोड़ा सा भी मेहनत करिएगा, 1200, 1300, 1400 वैकेंसी बहुत होता है। आप ये चीज मान के लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, ठीक है ना। ऑलरेडी पिछली सरकार नौकरी दे के गई है, इस सरकार ये सरकार भी चाहेगी कि चलो भाई हम विधानसभा का जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हम बच्चों को अच्छा खासा वैकेंसी हम देखे जाएं, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत अच्छा आने वाला है। इस पर आपको क्या करना है कि आपको दिन लगा कि दिन रात एक करके हमको पढ़ाई करना है, ठीक है ना। आई हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी ऐसा मतलब पत्थर होना चाहिए उस पर पूरा आप ईंट से ईंट लगा दीजिए, अपना जोर लगा देना है आपको, ठीक है। कहाँ पे हमको जोर लगाना है, हमको डेली मेरा आंसर राइटिंग हो रहा है, ठीक है, सर लोग करवा रहे हैं, कॉपी ऑलमोस्ट मिल जा रहा है, ठीक है ना, अच्छे से एवेल्युएशन करके आपको मिल जा रहा है, सभी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कोई है, हम डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मॉडल आंसर हमको मिल रहा है, ज्योग्राफी का हमको मिल रहा है, क्लासेज हो रही हैं, सब चीज़ हमको अप टू डेट हो रही है, ठीक है। पीटी का मेरा रेगुलर टेस्ट है, एक सिंपल सा हमको रूटीन बना लेना है, अभी टाइम में अपना हमको एक सिंपल सा रूटीन बना लेना है, उसमें हमको चलना है। मान लीजिए क्लासेस में मेरे 4-5 घंटे चले जाते हैं, हमको कोशिश करना है किसी तरह 8 घंटा हम अपना पढ़ लें, 8 घंटा पढ़ लें, उसमें 50:50 का अपना रेशियो रखें, या नहीं तो 50 नहीं तो मतलब समझिए कि 60% मेंस को दे दें, 40% अभी हम पीटी को दें। जो फाउंडेशन के स्टूडेंट है वो 40% पीटी को देंगे, 40% वो 60% वो पीटी को देंगे, 40% मेंस को देंगे जो फाउंडेशन के हैं। जो टारगेट स्टूडेंट है वो 60% मेंस को देंगे, 40% पीटी को देंगे, क्योंकि पीटी में बहुत टाइम है। पीटी के लिए बाद में हम लोग चल के एक वॉरियर बैच भी लाएंगे, ठीक है ना, वो अपने आप में काफ़ी रहेगा, उससे बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो हम यही बोल रहे हैं कि गिव योर बेस्ट। एक एक दिन है, जैसे होली आने वाला, त्यौहार आने वाला है, आप डेली बेसिस पर अपने आप से फाइट करिए, अपने आप से फाइट करिए कि मेरा आज जो दिन है या मेरा जो कल जो दिन है वो मेरा बेस्ट रहे, वो मेरा कम से कम ये लगे कि हमको जो लक्ष्य प्राप्ति है कि 70 जो अगस्त 2025 में फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसमें मेरा नाम रहे तो रहे।
अब हमने बहुत सारे बी पार्ट के वीडियो भी शेयर किए होंगे, आपने देखा होगा डांस करते हुए या सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई माउंटेन ट्रैकिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब वो कोई भारत दर्शन जा रहा है, कोई प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट ऑफिस में जा रहा है, ठीक है ना, कोई जीविका में गाँव में घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये पल हमें भी जीना है, ये पल आप लोग को भी जीना है, बट इसके लिए यू विल हैव टू गिव योर बेस्ट। इसके लिए आपको खुद से, किसी और से नहीं, आपको खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी, खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी कि डेली सेल्फ स्टडी में 8 घंटा हम पढ़ें। जो टॉपिक का टेस्ट हो गया, मान लीजिए 10 टॉपिक का टेस्ट हो गया, तो मेरा कम से कम मिनिमम इतना आपसे रिक्वायरमेंट रहा होगा कि कम से कम, अभी तो ज़्यादा नहीं क्योंकि 10 टॉपिक भी धीरे धीरे, जो बच्चा पर टेस्ट भी लिखा होगा कि चलो एक टेस्ट हो गया एंशियंट हिस्ट्री का जो पहला टेस्ट हुआ होगा, जो बच्चा रखा होगा कि चलो भाई इसको पूरा रट लेते हैं, हम उसको अंडरलाइन करके हम कर लेते हैं, वो बच्चा आज एडवांस। लेकिन आप समझिए कि आप 10 टेस्ट के बाद भी अगर वो चीज़ नहीं कर रहे तो एक टाइम में तो 33 टेस्ट हम देने जा रहे हैं आपको, 33 टेस्ट कहाँ से कर पाइएगा आप अभी। और गारंटी से हम बोल रहे हैं कि आपसे बहुत 60-70% बच्चा वो चीज़ नहीं किए होंगे अभी। और हम बोल दें कि आप क्या उस कॉन्फिडेंस लेवल पर हैं कि ये सर 10 टेस्ट हुआ है, 10 टेस्ट में आप कहीं से भी पूछिए या 9 टेस्ट में आप कहीं से भी पूछिए, हम आपको बता देंगे हम रट चुके हैं। हाँ सर, हो सकता है कि आप रिवाइज नहीं किए हों, लेकिन सर एक बार पढ़ के उस समय हम रिवाइज कर लिए थे, पूरा अच्छे से पढ़ लिए थे। अगर आप इतना चीज़ करते हैं तो आपका पीटी निकलेगा ही निकलेगा, कोई आपका पीटी निकलने से नहीं रोकेगा। अगर आप मेंस में डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप PYQ देख रहे हैं, अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्यों नहीं आपका निकलेगा। आप ऐसे खुद से लिख के अपने टीचर से चेक करवा रहे थे, पर हम देखते हैं कि कॉपी कितना आता है, 15-16। अब मान लीजिए ऑफलाइन में कुछ बच्चा था तो 20-25 बच्चा टोटल कितना है, कॉपी चेक करवाओ फैकल्टी से ज्यादा बेहतर है। बच्चा लोग कितना होगा टोटल ये सौर्या बैच में, ठीक है, पूरा अगर तेजस्वी सबको मिला दे 150 बच्चा होगा, 200 जितना भी हो 200 के ऊपर बच्चा होगा। अब 200 बच्चा में आप मत 25 कॉपी मेरे पास आ रहा है चेक करने के लिए, इसका मतलब अलग है कि 175 जो बच्चा है, मतलब कितना हो गया 87.5% मतलब शस्त्र नीचे किए हुए हैं अपना, ठीक। मतलब एक बात हम बता रहे, देखिए आई एम बिट क्रिटिकल क्योंकि हम डेली नहीं आते हैं, बट हम ये देखिए, हम आपके जगह सोच के देते हैं, हम ये सोचते हैं कि मेरा निकल कोई इवन एन आयोटा ऑफ डाउट नहीं रहा है। आयोटा किसको बोला जाता है, इसको आयोटा बोला जाता है, समझे, मतलब बिल्कुल डाउट ही नहीं रहे, समझे, कि मेरा एग्जाम निकल रहा है, ठीक है ना। तो तब मजा आएगा, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जाइए, गिव योर बेस्ट डेली, आपको बस एक मूल मंत्र लेके जाइएगा। होली में आप लोग सभी खाए जा रहे हैं, होली में लड़ना है आपको, किसी से नहीं लड़ना है बाहर वाले से, अपने आप से लड़िए। जो भी बाउंड्री देखे लाइफ है ना, बहुत सारा पटना में रह रहे हैं या जो भी लोग अभी घर से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है ना, बहुत तरह का, एक मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो, फैमिली से डिस्ट्रैक्शन हो, या एज ग्रुप भी ये टाइप का है कि चलो उससे बात कर लेते हैं, इससे बात कर लेते हैं, उस टाइप बहुत तरह का डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, यू विल हैव टू कोप अप विद इट। आप इससे अगर अभी निकल लीजिएगा तो लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल से आप बच जाइएगा। तो गिव योर बेस्ट, ठीक है ना। चलिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि आप लोग अपना बेस्ट दीजिए और एग्ज़ाम निकालिए। एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, इस चीज़ के बारे में भरोसा रखिए। आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे कोई SDM, कोई DSP, कोई VDO, कोई ADMO, कोई सप्लाई इंस्पेक्टर, कोई भी लोग बैठा हुआ था। जिस सीट पर आज आप बैठे हुए हैं वहीं पे अनगिनत लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ से एग्जाम निकाले, यहीं पर बैठ के। काजल हो गई, प्राची हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ से, ठीक है, ऑनलाइन में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो देख के ये किए हैं। तो वही जगह पर जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे वो भी तशरीफ लाए थे, ठीक है ना। पर वही ये करना है कि अपने आप को आगे ये चीज़ करना है, ठीक है। और आई थिंक हम आप लोग का ये चीज़ देख रहे हैं रिपोर्ट का, ठीक है, हम बहुत हद तक सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि अगर देखिए बैच कोई बनता है ना तो शुरुआती मान लीजिए होली को लेकर थोड़ा सा कम बचे हैं, शुरुआती दौर में अगर अटेंडेंस किसी बैच का अगर 100% है और उसके 3-4 महीने के बाद भी अगर उस बैच का अटेंडेंस अगर 80% रहता है तो बहुत अच्छी बात है, वो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में देखते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ दिखता है कि आप लोग सीरियस हैं कंपेयर टू द प्रीवियस बैचेज, आप हमें सीरियस दिखते हैं और हम आपको गारंटी बोलते हैं कि इस बैच से अच्छे खासे बच्चे निकालेंगे, आई प्रॉमिस यू। बस अब तक प्रीलिम्स क्लियर कर दो,
नहीं प्रीलिम्स, नहीं प्रीलिम्स के लिए भी हम करेंगे, आपको ये चिंता मत करिए, ठीक है ना। प्रीलिम्स के लिए भी हम प्लानिंग किए हुए हैं, प्रीलिम्स में आपको छोड़ेंगे। जो मेंस में हम इतना आपको मथे हैं, इतना दिमाग लगाए, इतना आपसे मेहनत करवाए, तो हम प्रीलिम्स में क्यों छोड़ेंगे। प्रीलिम्स में भी हमने प्लानिंग कर रखा है, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा। बाकी हमने प्लानिंग कर रखा है कि प्रीलिम्स में क्या, प्रीलिम्स में बस हम, मेरा एक चीज़ है, जो बोले बस उतना करो और कुछ नहीं करना है, जो बोले उतना करो, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए तो, और बाकी होली, होली की सभी आप लोगों को मुबारकबाद, ठीक है ना। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को, ठीक है। अब आया, अभी लेके आना, ठीक है ना, कि अच्छे से होली मनाइए आप लोग, ठीक है ना। भगवान करे ये होली आप लोग के जीवन में सक्सेस लेके आए। इसके पीरियड में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने रियलाइज की है, वो होता है कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना, अभी मार्च है, पूरी जर्नी जनवरी तक चलेगी आप लोग, जब तक मेंस नहीं हो जाता। कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, नेचुरल ये चीजें होती रहेंगी। कभी आप अच्छा लिखोगे, कभी बुरा लिखोगे, हमेशा एक साथ होता नहीं है, मूड भी हमेशा एक साथ नहीं रहता, वो चीज करता है, नेचुरल है। तो उस पूरे पीरियड में अपनी कॉन्फिडेंस को बना के रखना। रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, तो बंद, बंद करो, फाड़ निकालते हैं, उसको फाड़ देगा, दोनों यहाँ पे फाड़ देगा, बंद करो उसको। कैसे होगा सब कुछ, वही बच्चे यहाँ से लेके जाते हैं।